Today I will teach you exercise 2.3, and there you have only 3 questions in this exercise, and your chapter name is polymers. Okay students, now you watch carefully all of these questions. Here you see your first question, find the remainder. Aapne remainder nikalna hai. When this polymer is divided by this and this. आपने सभी से निकालना है रिमाइंडर. अगर इससे x प्लस वन से इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, वो निकालना आपने. फिर आपने इससे इस पॉलीमर से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो भी निकालना है. इसी प्रकार आप इन सबको सॉल्व करेंगे. जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसी टाइप से आपका ये फिफ्थ तक होंगे. क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम, वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम है वो बहुत ही इजी थ्योरम है, लॉन्ग डिवीजन भी इजी है पर थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा. अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो तरीके से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से भी करेंगे. आपको जो तरीका पसंद आएगा आप उसे कर सकते हैं. क्लियर, नाउ योर फर्स्ट पार्ट इज दिस, एंड सपोज दिस इज पॉलीमर पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1, एंड सपोज दिस इज क्यू एक्स, एक्स प्लस 1. क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा. रिमाइंडर थ्योरम के लिए जो क्यू एक्स है, जो ये है, इसे हम जीरो से कंपेयर कर देंगे. लेट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये प्लस 1 हटाना पड़ेगा, प्लस 1 इस साइड जाएगा इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा -1. अब देखिए x की वैल्यू आ गई है, वो हमने इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है. तो ये हो जाएगा p -1, x की जगह पे -1 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह पे -1 हो जाएगा. इधर भी जहाँ x x है वहाँ -1, तो यहाँ x की पावर 3 थी तो -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस 3 -1 देन 1. हमने यहाँ पर रख दिया -1, यहाँ भी रख दिया -1, यहाँ भी रख दिया -1 x की जगह पे. उस पर 3 था, 2 था और कुछ नहीं है. अब देखिए -1 का अगर क्यूब करते हैं तो आंसर -1 आएगा. क्यों, -1 का क्यूब का मतलब है -1 को कितने टाइम इंटू कर रहे हैं, 3 टाइम्स. -1 को की पावर 3 है यानी कि 3 टाइम्स इंटू कर रहे हैं. तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, 1 1 जा 1 1 1 जा 1. क्लियर, नाउ प्लस 3 का 3, -1 की पावर 2 है तो आंसर 1 आएगा. क्यों आएगा, -1 को 2 टाइम्स इंटू कर रहे हैं तो माइनस माइनस का ये तो प्लस हो गया, 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 1 आएगा. प्लस देखिए प्लस माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, प्लस 1 देन -1 प्लस 3 1 जा 3 -3 + 1. ठीक, 3 1 जा 3 हो गया और ये जैसे वैसे 3 - 3 तो ये तो 0 हो गए. -1 + 1 तो ये भी क्या हो गया, 0, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस तो 1 में से 1 गया 0. तो जो p - 1 है वो क्या आ रहा है, 0. तो लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0. अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. पी एक्स आपके पास ये तरीका है, क्यू एक्स आपके ये तरीके हैं, तो ये ले लिया. अब इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि एक्स प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1. अब देखिए हमने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, उससे इसके फर्स्ट टर्म को जो यहाँ पर लिखा हुआ उसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, पहले स्टेप, ये एक्स क्यूब है, इसको डिवाइड करना है पहले टर्म से, पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करना है, डिवाइड. क्लियर, तो यहाँ से जब ये कटा तो ऊपर क्या बचा, एक्स की पावर 2. यहाँ एक्स ऊपर कितने थे, 3, नीचे कितने एक्स हैं, 1, तो 1 और 3 में से 1 गया तो कितने एक्स बचे, 2, एक्स की पावर 2. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की पावर 2. इतना आप समझ गए. अब क्या करना है, जो ये x की पावर 2 निकल के आई है वो इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यहाँ पर रफ काम होगा,
जो x की पावर 2 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या आएगा, x स्क्वायर को x इनटू करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3, पहले 2 थी और एक और आ गई तो 3 हो गई, क्लियर। प्लस x स्क्वायर को आप किससे इनटू करना है, 1 से, तो x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर दोनों से इनटू हो गया तो ये आ गया, इसको आप यहां लिख लेंगे, क्लियर। अब क्या करना है, माइनस, जब हम इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है अब क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का भी माइनस, अगर यहां पे माइनस होता तो यहां नीचे क्या हो जाता, प्लस। अब हमारे पास ये है कि x³ के आगे क्या है, माइनस है, और x² के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो x³ में से x³ गया तो ये तो कट गया, 0 हो गया। अब ये 3x² में से एक x² गया, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, एक x² गया तो कितने x² बच गए, 2x² बच गए, बाकी जो बचा हुआ है उसको उतार दीजिए, ठीक, ये उतार दिया हमने। अब हमने फिर क्या करना है, फिर पहले टर्म से पहले टर्म को क्या करना है, डिवाइड, तो 2x की पावर 2 से x को क्या करना है, डिवाइड, ये से ये गया तो अब कितना बचा, 2x बच गया, x स्क्वायर था नीचे x था, x से x कट गया तो x कितना x बच गया, वहां एक ही x बचा और 2, तो यानी कि अब यहां पे क्या आएगा, प्लस 2x, ठीक है, इसका क्या प्लस साइन है ना, कोई साइन नहीं तो प्लस है, इसलिए प्लस 2x। अब जो ये प्लस 2x आया है उसको भी इन दोनों से इंटू करना है, x प्लस 1 से इंटू करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 प्लस 2x, ये जो 2x है वो इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो ये इस प्रकार आ जाएगा, उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ, क्लियर। अब देखिए इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसके आगे प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस, तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, ये तो कट गया, 3x में से 2x गया तो कितने x बचेंगे, एक ही x बचेगा, फिर पीछे क्या बचा, प्लस 1। अब क्या करना है हमने, फिर इसके जो पहला टर्म है उसके पहले टर्म से डिवाइड करना है, तो हमने कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, 1, तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 1। अब जो ये 1 आया है उसको भी इन दोनों से क्या कर दीजिए, इंटू, तो x प्लस 1 से 1 से इंटू करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, फिर हम क्या करते हैं, ये प्लस है तो इसके आगे माइनस है, इस ये प्लस है तो इसके आगे क्या है, माइनस, तो x में से x गया कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। तो इस लॉन्ग डिवीजन से भी 0 ही रिमाइंडर आ रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम से भी क्या आ रहा है, 0, तो इन दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी तरीका पसंद आ रहा है आप उन तरीकों से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ योर सेकंड पार्ट इज दिस, मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ आपका, ठीक है, सिर्फ दो ही पार्ट करूँगा, इसको मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूँगा, इस थ्योरम से बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इससे थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो मैं इस वाले तरीके से कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि क्यू एक्स को क्या ले लो, 0, इसको 0 लेना है, यानी कि एक्स प्लस 1 बराबर, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, x माइनस 1/2 था यहाँ पे, x माइनस 1/2 है ये, इक्वल टू 0 लेंगे, इसको हम 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 इस साइड जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो ये आ गई। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करना है, इसमें पुट करेंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये आपके पास जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे, तो यहाँ भी x की जगह क्या रख देंगे, 1/2, और इधर भी 1/2 की पावर 3 प्लस 3, 1/2 की पावर 2 प्लस 3, 1/2 दैन 1। देखिए x जगह पे 1/2 रखा उसका क्यूब था, इसलिए यहाँ पे क्यूब करना पड़ा, प्लस 3, और यहाँ पे x जगह पे 1/2 रखा, x पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आया, प्लस 3, x जगह पे 1/2 रखा उसके पीछे है प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1, ठीक। अब देखिए 1/2 है, यानी कि 1 पे भी क्या है, क्यूब है, 2 पे भी क्या है, क्यूब है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 3 का 3, और 1 पे भी स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, तो यानी कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, देन 3 1 जा 3 अपॉन में 2, देन प्लस 1। नाउ सॉल्व दिस, 1/8 प्लस 3 1 जा 3 नीचे है 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, फिलहाल ये 1/8 वैसे रहने दीजिए, 3/4 भी वैसे रहने दीजिए, प्लस इसको सॉल्व कीजिए,
तो टू वन जा टू। देखिए थ्री प्लस वन सिर्फ फोर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इसके नीचे अपॉन है, तो पहले जब पूरे का अपॉन होगा तभी जाके ये दोनों प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो टू वन जा टू और टू में थ्री जोड़ा तो कितना हो गया फाइव, ठीक। ये किस तरीके से हुआ, इस टाइप का था यहाँ पे, तो टू वन जा टू, टू वन जा टू। अब देखिए यहाँ का पॉन था, अभी पूरे का पॉन हो जाएगा, जब ये यहाँ इंटू होगा तो पूरे का पॉन हो जाएगा। इस टाइप से तीन दो पाँच हो गया नीचे टू, ठीक। अब इसको हमें जोड़ना आता है, प्रीवियस क्लास में हमने इसको सीखा है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। या एक और तरीका है, ये एट है, डिनोमीटर एट है, तो इसके डिनोमीटर को भी एट बना दीजिए, इसको भी एट बना दीजिए। तो फोर कितने से एट इंटू करेंगे, एट हो जाए टू से, तो नीचे टू से तो ऊपर भी टू से। फिर इस टू को भी एट बनाना है तो फोर से इंटू करना पड़ेगा, नीचे फोर से इंटू करना है तो ऊपर भी फोर से, तो ये वन बाई एट हो जाएगा। ये थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा, प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी हो जाएगा, नीचे टू फोर जा एट। अब देखिए नीचे के डिनोमीटर क्या हो गए, सेम। तो सेम डिनोमीटर का एलसीएम भी क्या होता है, सेम। ऊपर के नंबर को जोड़ दीजिए तो ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन, ये आपको क्या आ गया है आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से भी कर सकते हैं आप कि इसका जो डिनोमीटर एट है इसको भी एट में बदल दीजिए, इसको भी एट में बदल दीजिए। जिस नंबर से नीचे को इंटू कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर भी इंटू कीजिए, तो इस टाइप का आ जाएगा। तो इन एट 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 का एलसीएम तो एट ही आता है, ऊपर के नंबर को आप इजिली जोड़ दीजिए और ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ योर क्वेश्चन नंबर टू इज दिस, फाइंड द रिमाइंडर। आपने फिर क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलीनोमियल, यानी कि एक्स माइनस ए से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपने रिमाइंडर निकालना है। तो दो तरीके हैं, तो उसमें जो रिमाइंडर थ्योरम है वो बहुत ईजी थ्योरम है। वो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना पड़ता है, इसको जीरो लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पी एक्स मान लेंगे, ये ऊपर वाला पी एक्स है और सपोज ये क्या है, कुछ भी ले लीजिए, क्यू एक्स ले लीजिए, इसको लिखेंगे लेट क्यू एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको हम सपोज क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। पहले स्टेप तो ये इसको जीरो मान लेना है, तो इसको जीरो मान लिया तो ये माइनस ए, एक्स की वैल्यू निकालना हमने, हमें से याद रखना हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस ए इस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस ए में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए, उसको किस में पुट करना है, दिस पॉलीनोमियल में, ठीक। तो जहां जहां x है वहां वहां a रख दीजिए, ठीक। x जॉब a रख दिया, x जॉब a, x जॉब a, बाकी तो सेम रहेगा, एक डिजिट वैसे रहेंगे, कोई हेर फेर नहीं करनी है आपको। यहां a का क्यूब निकल के आएगा और यहां देखिए a की पावर कितनी हो गई, टू, और एक और a से इंटू हो रहा है तो a की पावर कितनी हो जाएगी अब, थ्री। दो तो यहां से हो गया और एक ही है, तीन हो गए, प्लस सिक्स a माइनस ए। अब देखिए एक क्यूब में से एक क्यूब क्या, ये तो कट गया, जीरो हो गया। सिक्स ए माइनस ए यानी कितना, फाइव ए। छः ए में से एक ए गया, वन ए, कुछ नहीं है तो वन ए है वो, तो फाइव ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल्स टू फाइव ए। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चेक करना है आपने कि सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस, जो ये है वो इसका फैक्टर है। तो ये इसका फैक्टर कब हो सकता है, जब रिमाइंडर क्या आए, जीरो आए। अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। और रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो हम फिर से रिमाइंडर ही निकालेंगे इसमें भी, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, जीरो। ये आपका पी एक्स दे रखा है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, और ये आपका कितना दे रखा है, सेवन प्लस थ्री एक्स, ठीक है। इससे सॉल्व करना हमने, तो ये क्यू एक्स है, इसको क्या मानना है, जीरो मान लेना है। तो यानी कि सेवन प्लस थ्री एक्स क्या होगा, जीरो। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहीं पर रहने दीजिए। ये सेवन यहाँ प्लस में है, कोई नहीं है तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में है, तो ये इधर माइनस में आ गया, इक्वल के साइड किस में आ गया, माइनस में, इधर चले गया, ठीक है। अब ये थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो यानी कि नीचे आ जाएगा। थ्री यहाँ था तो ये तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड जाने पे डिवाइड में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सेवन बाई थ्री, उसको किस में पुट करना है, इसमें, ठीक। देन पी माइनस सेवन बाई थ्री, तो ये थ्री माइनस सेवन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन बाई थ्री, थ्री का थ्री माइनस सेवन बाई थ्री यहाँ पर रख देंगे, उस पर स्क्वायर प्लस सेवन और एक्स की जॉब को रख दिया,
अब आपने क्या करना है, 3 का 3। अब देखिए जो ये स्क्वायर है वो इस पे भी है, इस पे भी है, तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस 7 है यहाँ पे, इस पे स्क्वायर है, तो यानी कि ये दो टाइम इंटू हो रहा है। माइनस 7 कितने टाइम इंटू हो रहा है? 2 टाइम्स। ठीक, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 7 जो 49, तो यहाँ सीधा 49। देखिए प्लस माइनस का, माइनस 7 जो 49 और नीचे आपका 3। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ गया 49/3। इधर है 49/3, इन दोनों को माइनस की तो 0, तो रिमाइंडर आपको कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसके वाले तो 0 आ गई, यानी कि रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब 7 + 3x जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। देखेंगे, सो 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। क्लियर स्टैंड्स? यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर थी क्यूब, यहाँ पर क्यूब था 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। और तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो -7 का क्यूब, यानी कि -7 को क्यूब करना है तो 3 बार इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब इन तीनों 7 को इंटू करेंगे तो आपका आएगा 3 4 3। क्या आएगा? 3 4 और 3। ठीक है, वो भी नेगेटिव में। अब देखिए फिर इसका तो क्यूब कर दिया, इस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, और 3 9 27, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 3 से 27 काटेंगे तो 9 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 3 4 3, और ये नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इनको जोड़ना है, तो ये 9 है, इसको भी 9 में बदलना है, तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 3 से इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा तो वैसे रहेगा, आएगा तो वैसे रहेगा। 49 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आता है, वो आप आएगा 147, नीचे आएगा 9। अब 9 9 का एलसीएम तो 9 आएगा, ऊपर के नंबर को क्या कर देंगे, माइनस माइनस का प्लस, इन दोनों में जोड़िए तो आप आएगा 490, इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन यहाँ पे आएगा, दोनों पे नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है, 73 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर स्टैंड्स? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, पर मैं आपको जो ये सेकंड क्वेश्चन है सेकंड मेथड से भी करके बताना चाहता हूँ, बाय डिवीजन मेथड से। तो इसको हमने इसे डिवाइड करना था, तो इस प्रकार से करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप होता है इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, यानी कि x क्यूब को डिवाइड करना है किसे, x से, तो ये और ये क्या, तो x की पावर कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, x की पावर 2। अब जो यहाँ पर आ गया उसको इससे भी इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है, तो जब एक्स स्क्वायर को x से इंटू करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर को a से करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगी, माइनस का माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर a एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या करना है, साइन चेंज, ये आगे प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस। अब एक्स क्यूब के आगे माइनस है और ए एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होता है, और ये कैंसिल, सेम थे तो कैंसिल हो गया, फिर माइनस प्लस का माइनस होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो आपका बच गया उसको आपने लिख देना है, तो ये आपने लिख लिया है। अब फिर क्या करना है, वही स्टेप चलाना है, इसके फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करना है, यानी कि 6x को डिवाइड करना है a से, तो ये से ये कट गया, आंसर आया 6, तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 6 लिख दिया। अब 6 लिख दिया तो 6 को इससे भी और इससे भी इंटू करना होगा, तो 6 को जब x से करेंगे तो 6x होता है, और 6 को a से इंटू करेंगे तो माइनस 6 से होता है। ठीक है, 6 को ऐसे किया तो 6 है, नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन। फिर क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है तो अब माइनस होगा, ये माइनस है तो अब प्लस होगा। अब क्या करना है, प्लस ये क्योंकि इसका कोई नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो साइन प्लस ही होगा, प्लस माइनस का माइनस
सिक्स एक्स में से सिक्स एक्स गया जीरो, कुछ नहीं बचा। फिर देखते हैं माइनस प्लस का माइनस, सिक्स ए में से एक ए गया तो कितने ए बच गए, फाइव ए। साइन किसका आएगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, सिक्स ए, और सिक्स के सिक्स ए के आगे अब क्या है, प्लस साइन है। तो जो ये है ये रिमाइंडर है। तो इससे भी वही आया था, इससे भी वही आया है। आई होप आई क्लियर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।